हेमंत, तुम खैरियत? इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, वो मुझे तुमसे सॉरी कहना था और एक रिक्वेस्ट करनी थी। सॉरी किस बात के लिए? मैं ना हर टाइम तुमसे एक जेलिसी वाला रिलेशन रखती थी। पता है, मैं मम्मी को कहती थी कि जहीर मामू, समीना मामी, सायका खाला सब ऐनी करते रहते हैं, कोई मेरी तारीफ करता ही नहीं है। मुझे जो है अब समझ आ रहा है कि तुम वाकई तारीफ के काबिल हो। मैंने इसमें सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो यही बहुत है। इसमें भी तुम्हारी ही अच्छाई है कि तुमने इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी। कैसी रिक्वेस्ट? मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अम्मी अबू ने ज़बरदस्ती मुझे साइंस में डाल दिया था। लेकिन मेरा शुरू से इंटरेस्ट आर्ट्स में है, इसलिए मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आर्ट्स कंटिन्यू करूँ, ताकि आगे जाके मैं मास कम्युनिकेशन या मीडिया साइंस कर सकूँ। तुम अम्मी को मनाने में मेरी मदद करोगी? एवन, यकीन करो मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि तुमने मुझसे ये बात की है। मुझे लगता है कि हमारी ख़ानदान की ना हर लड़की को पढ़ना चाहिए, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं फैमिली को मना लूँगी, क्योंकि उनको मनाना बहुत आसान है। मैं उनसे बात करूँगी कि तुम्हें तुम्हारे पसंद के सब्जेक्ट्स दिलाएं, ताकि तुम दिल से पढ़ो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो यार, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, बस तुम्हें लगती हूँ। अच्छा, वक्त निकला जा रहा है, मैं लेट हो रही हूँ, मैं जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं वापस आऊँगी, मैं फैमिली पुप से बात करूँगी। डन, लाफ़ेस। लाफ़ेस।